आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं अभी कॉलेज आया हूँ और मैं इंटरव्यू लूँगा डिफरेंट स्टूडेंट्स का, उनका ओपिनियन लूँगा अबाउट यू मेडिकल कॉलेज और उनसे पूछूँगा कि किस तरह का यू मेडिकल कॉलेज। आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। ओके, माय नेम इज मनाल मुर्तजा खान, ओल्ड फाइनल ईयर एमबीबीएस और राइट नाउ आई एम इन मिड्स ऑफ माय फाइनल प्रॉफ। सो या जस्ट देयर, ऑलमोस्ट देयर आई एम। आई एम सैरा बानो फ्रॉम ओल्ड फाइनल ईयर बैच 2016-2022 और मैं आजाद कश्मीर से हूँ। मेरा नाम मरियम फिदा है और मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस की स्टूडेंट हूँ अयूब मेडिकल कॉलेज में, एंड आई बिलोंग फ्रॉम हरिपुर बट आई करंटली लिव इन वाकेंट। नाम मुनाहिला और मैं सेकेंड ईयर एमबीबीएस से हूँ और मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ। ठीक, माय नेम इज़ खालिद, आई एम इन फाइनल एमबीबीएस। एंड आई एम अब्दुल समद, सेकेंड ईयर इन फाइनल ईयर एमबीबीएस। आई एम हिरा फ्रॉम थर्ड ईयर एमबीबीएस। तो अयूब मेडिकल कॉलेज की कोई अच्छी चीज़ बताएं। टू बी ऑनेस्ट, इट्स जस्ट द वेदर दैट, उसमें भी ऑब्वियसली अयूब का कोई रोल नहीं है, बट द वेदर इज गुड। ओके, दैट्स द बेस्ट थिंग टू बी इन अयूब। वेदर यहाँ का वेदर इज रियली नाइस और एंड इट्स काइंड ऑफ मॉडरेट वेदर, गर्मी में इतनी गर्मी नहीं है, सर्दियों में इट्स नाइस, सो आई लव द वेदर। यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है, वेदर बहुत मुझे इसका अच्छा लगता है। अयूब के बारे में अच्छी बात यह है कि टीचर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हेल्प भी करते हैं और कैंपस बहुत प्यारा है, ठीक है, और वेदर हमेशा अच्छा होता है यहाँ पे। सही, अच्छी चीज़ तो ये है कि अयूब मेडिकल कॉलेज बहुत प्यारा है और इसके अलावा लोकेशन भी बहुत अच्छी है और वेदर भी बहुत अच्छा है यहाँ का। ठीक है, कोई आप? मेरे उसमें ये कि एकेडमिक के लिए भी अयूब मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा है और ख़ासकर मुझे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ख़ासकर नृत्य 30 मिनट के फासले पर है तो आसानी से आप जा सकते हैं, बाकी अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक, इसकी अच्छी चीज़ मुझे इसकी बिल्डिंग और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन वगैरह ये बहुत अच्छा लगता है और वेल मेंटेन्ड बिल्डिंग है। सही है, कोई ऐसी चीज़ जो अयूब मेडिकल कॉलेज की आपको पसंद नहीं है? बहुत सारी, अ लॉट, आई हैव बीन वेटिंग टू टॉक अबाउट दिस, आई टॉक अबाउट इट ऑल द टाइम। सबसे पहले तो द थिंग दैट बॉदर्स मी द मोस्ट इज के करप्शन है, ओके, सिस्टमिक इनहेरेंट और सिस्टमिक मिसोजिनी है, इट्स अ हॉरिबल प्लेस फॉर वुमेन, एंड या उसके बाद स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट डोंट नो देयर राइट्स, एक्सपोजर नहीं मिलता, को कैकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, सो लाइक बेसिकली आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होती है। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट क्या होनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं? इम्प्रूवमेंट तो सबसे पहले ये होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को अपना कैंपस रिक्लेम करना चाहिए, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं स्टूडेंट्स का, एडमिनिस्ट्रेशन इज जस्ट एम्प्लॉयड हियर, दे नीड टू अंडरस्टैंड इट, स्टूडेंट्स शुड बी मोर इन्वॉल्व, उनके इशू सॉर्ट आउट होने चाहिए और या ज़्यादा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फॉर यू नो फॉर देयर करेक्टर डेवलपमेंट एंड आदर्स। जो अच्छी नहीं लगती इज पीपल आर नॉट टॉलरेंट इनफ, तो वी शुड लर्न हाउ टू टॉलरेट ईच अदर। सही है, ठीक है। ख़राब चीज़ ये है कि हमें यूनिफॉर्म पे बहुत ज़्यादा डांटा जाता है, तो है। और बॉयज़ को इतना नहीं कहा जाता जितना गर्ल्स को कहा जाता है। ठीक है, कैफेटेरिया बहुत बुरा है, उसको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ खाने को नहीं होता यहाँ पे। सही है, और कैंपस में ना जगह बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है घूमने फिरने के लिए। कैंपस छोटा है, कैंपस छोटा है लेकिन प्यार है। पसंद तो ये नहीं है कि यहाँ पे जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो फ्लडिंग वो वाला मसला होता है, वो हॉस्पिटल में भी होता है और इधर हमारे हॉस्टल्स में भी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें नहीं पसंद। सही है, और आप? और फ्लडिंग के फैसद में गिर रहे इमारतें थोड़ी गिर रही हैं, इनके लिए नया वो बन रहा है, लेकिन ये कि जलजरे वगैरह भी थोड़े आते तो आप इसका स्पेशल ख्याल लेके जब यहाँ पर आना हो। ठीक है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस वो कम होती है यहाँ पे, तो बाकी भी गर्ल्स वगैरह के लिए भी इतना स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है। सही है, तो अगर आप रेटिंग देना चाहें यू मेडिकल कॉलेज को 10 में से? रेटिंग में आता ही नहीं है, सच अ बैड प्लेस की रेटिंग में ही नहीं। अच्छा, ठीक है, 6 तक, क्योंकि स्टडीज इज समथिंग डिफरेंट जो आपको खुद से करनी पड़ती है, बाकी एथिक्स पीपल नीड टू लर्न लॉट, यहाँ पे एथिक्स नहीं है तो और मैनर्स, तो इफ यू कवर दैट अप तो इट्स रियली अमेजिंग। सही है, ठीक है। रेटिंग अगर मैं 10 में से दूँ तो आई विल गिव इट 8। ठीक है, सही, आप देना चाहें यू मेडिकल कॉलेज को 10 में से तो कितनी देंगे? 7। ठीक है, 8 आउट ऑफ 10। ठीक है, और मैं 7 आउट ऑफ 10। सही है, कॉलेज को 10 में 7 आउट ऑफ 10। सही है,
कोई ऐड करना चाहें कोई बात, कोई मतलब यू मेडिकल कोई स्पेशल जो है यू मेडिकल कॉलेज के मतलब? मेरे लिए इट हैज बीन स्पेशल 5 years. आई हैव ग्रोन अ लॉट एज अ पर्सन बिकॉज मैंने बहुत कुछ फेस किया है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है यू कैन यू गेट टू सी डिफरेंट कम्युनिटीज हियर, पीपल हु कम विद डिफरेंट पॉलिटिकल माइंड यू नो, एंड देन यू कैन डिस्कस विद देम और आपको एक्सपोजर होता है. हियर डिफरेंट कम्युनिटीज आर टुगेदर एंड आई थिंक दैट्स आल्सो अ गुड थिंग अबाउट इट. एज स्टूडेंट्स यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम ईच अदर. बात ऐड करना चाहें? अच्छा, जो अच्छी बात मुझे एक वेदर के अलावा लगती है दैट इज़ कि आपके बाद इज़ वेरी स्मॉल, तो आप अपनी कम्युनिटीज बहुत इजीली बना लेते हो, ठीक है, बहुत जान पहचान आपकी आसानी से बन जाती है. सेकेंडली यू गेट टू नो डॉक्टर्स, आपकी सोशल सर्कल्स बहुत इम्प्रूव हो जाते हैं. फिर ये है कि अगेन आप एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखो, एक दूसरे के साथ बैठ के बात करो. ठीक है, ठीक है. तो आप लास्ट में यू मेडिकल कॉलेज के मतलब कोई बात ऐड करना चाहें, कुछ भी? यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है, वेदर बहुत मुझे इसका अच्छा लगता है, तो ये है. अच्छा, ठीक है. जो स्पेशल है या जो भी स्पेशल, सब कुछ है, बहुत प्यारे प्यारे लोग यहाँ पे पढ़ते हैं. जो मेडिकल कॉलेज की कोई इम्प्रूवमेंट या कुछ भी कोई स्पेशल चीज़? इम्प्रूवमेंट यहाँ पे बस सारी चीज़ों में दे सकते हैं हम, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दे सकते हैं, टीचिंग उसमें भी दे सकते हैं, और हॉस्टल मेस वगैरह उसमें भी दे सकते हैं ना. तो हर चीज़ पे यहाँ पे फोकस देनी चाहिए, खास कर ये कैफेटेरिया. मेरे कहना है कैफेटेरिया की वो नहीं हो रही ना, कि अंदर बन जाए वो जिम वगैरह की, ये जल्दी थोड़ा बन जाए, उस पर काम दे दियो, बाकी सारा फिट सी है. बात बस यही है कि कैंटीन और ये कैफेटेरिया वगैरह को बेहतर करें और हॉस्टल वगैरह की बिल्डिंग्स को थोड़ा सा अच्छा कर दें, तो बाकी बहुत अच्छा है. ठीक है, थैंक यू सो मच.